सो फाइनली दोस्तों यहाँ पर मैंने खरीद लिया है Redmi 8 स्मार्टफोन अपने यूट्यूब चैनल को थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए। जो मैं वीडियो बनाता था उसमें मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम आते थे, स्क्रीन प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं होती थी, अच्छा साउंड क्वालिटी, अच्छा आवाज़ नहीं आ रहा था। इसके लिए मैंने Redmi 8 को परचेस किया है। ये फिलहाल मुझे 10,000 में पड़ गया है, लेकिन ये बजट फ़ोन है, अच्छा काफ़ी इस पर रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो आपके लिए मैंने ये खरीद लिया है, अब मैं इसी से अपने यूट्यूब की वीडियोज़ बनाऊंगा। तो चले गाइस, इसको मैं अनबॉक्स करके आपको बता देता हूँ कि क्या क्या इसके अंदर मिल जाता है, इसकी क्वालिटी वगैरह पूरा इसमें बता देता हूँ। तो चले गाइस, यहाँ पर मैं बॉक्स को ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो मोबाइल का ओरिजिनल बॉक्स आपको सामने यहाँ पर मिल जाता है। तो इसे उस बॉक्स को थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। तो यहाँ पर आप डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पर पेपर वर्क, यानी कि जो मोबाइल का बिल है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्राइस, यहाँ पर तो यहाँ पर आपको प्राइस थोड़ी सी कम ही दिखाई दे रही है, 8,400 के आसपास को दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे पड़ा है ये 10,000 में। तो गाइस इसे ओपन करने के बाद, इसका जो डॉक्यूमेंटेशन ट्रेन करने के बाद इस तरह के कुछ दिखाई दे रहा है। बॉक्स के ऊपर, यहाँ पर बॉक्स के नीचे यहाँ पर ऑल फीचर्स दिए हैं, डुअल कैमरा है, फिंगरप्रिंट सेंसर है, क्वालकॉम का प्रोसेसर है, और यहाँ पर बहुत सारी मैनुअल भी दिए है, बार कोड्स भी यहाँ पर अपने को देखने को मिल जाती है, स्क्रीन रेशो भी पूरा यहाँ पर देखने को जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा सील है, तो इसे मैं ब्रेक कर देता हूँ। यहाँ पर मैं ब्रेक कर देता हूँ, दोनों साइज में है। तो ये बॉक्स की पैकिंग वगैरह तो काफ़ी अच्छी हद तक यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर मैं इसे अनबॉक्स कर देता हूँ, और चलिए मैं इस बॉक्स को ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे ब्रेक कर दिया है, तो चलिए गाइस इसे ओपन कर देता हूँ। तो इसे ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा। ये यहाँ पर जो है, इसके अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाता है सिम इजेक्टर टूल, यहाँ पर आप देख सकते हो, और उसके नीचे आपको एक थोड़े से डॉक्यूमेंटेशन मैनुअल मिल जाता है, और साथ में ही मिलता है एक केस मोबाइल का, जो मैंने ब्लैक कलर में मंगवाया था। तो देखते हैं इसके अंदर कुछ इसका कलर किस तरह सा है। केस का कलर हम देख देते हैं, तो मैंने ब्लैक मंगवाया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक ही, यहाँ पर केस भी हमें ब्लैक ही मिला है। तो इसे हम साइड में कर लेते हैं, और अब बढ़ते हैं अपने मेन कंपोनेंट की तरफ से। या तो यहाँ पर है हमारा Redmi 8 स्मार्टफोन, काफ़ी कूल है। तो थोड़ा फिलहाल तो हम अपने मोबाइल को थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, और इसके बॉक्स के अंदर देख लेते हैं कि क्या क्या हमें और भी मिला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें मिला है USB टू टाइप सी का अडाप्टर मिला है, यहाँ पर केबल मिला है, और यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है, यहाँ पर आपको अडाप्टर भी देखने को मिल जाता है, इसके अंदर आप एक USB लगा सकते हो। तो हमें मेन कंपोनेंट हमारा मोबाइल है। चलिए देखते गाइस हमारे मोबाइल में, तो कुछ इस तरह का आपको मोबाइल मिल जाता है। इसके कांच पर कुछ इस तरह के कुछ लगा हुआ है, और पीछे से इसकी फिनिशिंग तो काफ़ी कूल लग रही है। दो कैमरे भी मिलते हैं, और उसके ऊपर एक, यहाँ पर उसके पीछे आप देख सकते हैं एक फ्लैश लाइट, दो कैमरा और फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिल जाता है। और ये रहा हमारा स्मार्टफोन, काफ़ी कूल, हाथ में लेने के बाद काफ़ी कूल लगे। तो चलिए गाइस, यहाँ पर मैं अपनी लगा देता हूँ, जो अपना केस मिला है मोबाइल का, तो अपने मोबाइल को मैं फिक्स कर लेता हूँ पीछे से। तो चलिए गाइस, आप इसे बूट करने में बहुत ही वक्त लगता है, तो चलिए इसे मैं बूट कर लेता हूँ। तो हमारा मोबाइल बूट हो गया है। तो पूरा सेटअप करने के बाद कुछ इस तरीके से मोबाइल में इंटरफेस दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे एप्लीकेशन भी मिलते हैं, जो चाइनीज़ एप्लीकेशन है, जो मोबाइल के साथ आती है, तो आप उसे अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जीली ऐप है, तो इसे मैंने अनइंस्टॉल कर दिया है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाते हैं, तो जैसे कि हेलो ऐप है, इसे भी हम अनइंस्टॉल करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसे अनइंस्टॉल कर देते हैं, तो चले गए, यहाँ पर भी हेलो ऐप अनइंस्टॉल हो चुका है। तो आप देखते हैं बाकी वो मोबाइल के अंदर हमें क्या क्या मिला है। तो यहाँ पर तो आपको बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, और काफ़ी कूल, अच्छे से हाथ में लेने के बाद ही काफ़ी कूल लग रहा है, काफ़ी फिनिशिंग है, टच स्क्रीन काफ़ी इफेक्टिव लग रही है मुझे। यहाँ पर इसके कैमरा वगैरह आप देख सकते हैं, इसमें कैमरा जब स्टार्टिंग में करते हैं तो हमें इसे कुछ परमिशन वगैरह देना पड़ता है, तो मैं अलाउ कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर हम इसके स्टोरेज में देख सकते हैं। तो चलिए मैं जाता हूँ यहाँ पर सेटिंग के अंदर, वो सेटिंग के अंदर यहाँ पर आपको अबाउट फ़ोन का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको देखना है, तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ स्टोरेज पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अवेलेबल 50 GB का अवेलेबल स्टोरेज है, और टोटल इसका 64 GB का स्टोरेज है। तो पहले से ही ये काफ़ी भरा कर आया है सिस्टम इसका। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी कैमरा टेस्टिंग की। तो ये है कुछ फ़ोटो सैंपल जो मैंने इसी मोबाइल के बैक और फ्रंट कैमरे से ली है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी कूल फ़ोटो यहाँ पर आ चुके हैं, कलर ग्रेडिंग के साथ साथ काफ़ी अच्छे भी फ़ोटो दिखाई दे रहे हैं। तो ये फ़ोटो हमने इसी मोबाइल की फ्रंट और बैक कैमरे से ली है।
तो आई होप गाइज आपके फोटो अच्छे लग रहे होंगे आपको अच्छे। इस मोबाइल के कैमरे में फोटो तो काफी हद तक अच्छे आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर मैं एक वीडियो फुटेज आपको चलाकर दिखाने वाला हूँ जो कि मैंने इस मोबाइल की वीडियो कैमरे से की है, तो आप अच्छे से ध्यान से देख लेना। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये मोबाइल अच्छा लगा हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।